नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग ज्यादातर वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि घर में कोई चले जाते हैं तो कितना दुखी फील होते हैं लोग। इसी तरह से जो हमारे अंकल हैं, जो हमारे कंप्यूटिक्स, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटिक्स जो हमारी इंस्टीट्यूट चलती है और कंप्यूटिक्स लैब जो यूट्यूब टेक्निकल चैनल भी है हमारी, इन सभी चीज़ों में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके एनर्जी से ही हम लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचा है। अभी तक कंप्यूटिक्स अच्छा जो है ग्रोथ कर रही है। आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए ताकि कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब की दुनिया में भी एक अच्छा नाम कमा सके। जिस तरह से कंप्यूटिक्स जो हमारे दरभंगा बिहार से बिलोंग करती है इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर की ये बेसिकली इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी लोग बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार यहाँ के लोकल लोगों से मिल रही है। इनमें हमारे जो अंकल जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका इन सभी चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब भी हमारे बीच कोई लोग अचानक से गुजर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दिल में कितनी बड़ी उनके लिए संवेदनाएं फील होती है। बहुत बड़ी जो है, मैं अपनी शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कितना बड़ा धक्का लग चुका है। बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ, वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन फिर भी जिंदगी की जो जो डेवलपमेंट है, जो आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो सीख है, जो हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है, तो कहीं ना कहीं वो अभी हमारे आसपास ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। कि सोच और जो भी कुछ वो हम लोगों को दिए हैं, उसी सभी उन सभी विश्वास और सोच के ऊपर हम लोगों ने ये जिंदगी का जो पहिया है वो उसको चलाते रहना है, इसे रोकना नहीं है। सब कुछ को देखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना भी है। खैर एनीवे, इस वीडियो में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटिक्स लैब आपको बहुत अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियो ला के देने वाली है, जिसका आपको अपने टेक्निकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो पासवर्ड चेंजिंग के ऊपर है। आप लोग जानते होंगे कि लोकल यूजर के पासवर्ड को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहुत सारे जो भी कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, जैसे 2, 4, 5, 10 या 200, 500 कंप्यूटर हो, हजारों कंप्यूटर क्यों ना हो, उन सभी के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेंट्रलाइज रूप से मैनेज हो और सेंट्रलाइज रूप से उन सभी के पासवर्ड को कंट्रोल किया जा सके, ताकि आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है वो सिक्योरिटी ब्रीच का शिकार ना हो। ओके, तो आप ऐसे केस में लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को एक बार में कैसे मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर चेंज कर पाएंगे? आपको वन बाय वन सभी कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आपके नेटवर्क में 200 कंप्यूटर लगे हों, 400 कंप्यूटर लगे हों या हजारों सिस्टम क्यों ना लगे हों, आप सभी कंप्यूटर के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पासवर्ड को वन गो में चेंज कर सकते हैं, जिसका ये इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टेक्निक बताने वाला हूँ कि कैसे एक सिंगल पासवर्ड, सिंगल कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज करें और कैसे मल्टीपल कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को एक बार में चेंज करें। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं लैब में। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी कंप्यूटर पे, मल्टीपल कंप्यूटर पे पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप google.com पे जाएं और PSTools सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है, इसे आप सिंपली डाउनलोड करें। इस PSTools के अंदर PSExec, PSFile, PSGetSet बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा, और आप उस वीडियो को सिंपली वॉच करें और सीखते रहें। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको PS पासवर्ड का यूज बताने वाला हूँ कि कैसे आप मल्टीपल कंप्यूटर पे एक बार में पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इस PSTools को डाउनलोड कर ले,
तो इसे आप सिंपली उस टारगेट कंप्यूटर पे अपलोड कर दें जिस टारगेट कंप्यूटर से आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारे केस में विंडोज सर्वर 2012 के तरफ से मैं इसे सारे पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, सारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को। तो सिंपली मैं इसे डी ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दिया पीएस टूल्स, जो कि आपको जिप फाइल के रूप में मिलती है कॉम्प्रेस किया हुआ। सिंपली आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विनरार सॉफ्टवेयर के थ्रू या 7-Zip के थ्रू, और बिल्ट इन फीचर्स भी होती है इसमें। पीएस टूल्स नाम की एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर आपको मिल जाती है, यहाँ पे जो इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट टेक्स्ट फाइल है और बहुत सारे टूल्स हैं। सभी जो टूल्स हैं वो exe फाइल में होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको यूज बताने वाला हूँ पीएस पासवर्ड का। और यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन को जैसे ही आप इनेबल करेंगे वो exe फाइल आपको निकल के सामने आएगी। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप उसे वॉच और लर्न करते रहें। यहाँ पे 64 बिट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, और क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है। तो जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करें, आप एडमिन मोड से लॉन्च करें, जैसे cmd फाइंड आउट करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च होते ही आप सिंपली डी ड्राइव में जाएं जहां पे आपकी वो पी एस टूल्स नाम की फोल्डर पड़ी हुई है जिसे आप एक्सट्रैक्ट करके अभी अभी लाए हैं। तो जैसे ही आप यहां पे dir कमांड का यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं पी एस टूल्स नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको जाने हैं। इसके लिए आप cd कमांड का यूज करेंगे पी एस टूल्स, और जैसे ही आप यहां पे भी dir कमांड यूज करेंगे तो यहां पे बहुत सारी exe फाइल आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। तो यहां पे ps password.exe 32 बिट के लिए और ps password64.exe 64 बिट के लिए है, क्योंकि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट की है, जिसके कारण मैं यहां पे 64 यूज करने वाला हूं ps password 64। हालांकि ps password.exe भी आप काम में ला सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ps password.exe या 64 भी आप सिंपली यूज कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। और स्लैश स्लैश यहाँ पे ये आपको सिंटैक्स फॉलो करने हैं, स्लैश स्लैश। और सिंगल कंप्यूटर को अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं सिंगल कंप्यूटर के ऊपर, जैसे हमारे केस में विंडोज 7 PC 164, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का नाम लिखेंगे जिस सिंगल कंप्यूटर के ऊपर आपको पासवर्ड चेंज करने हैं। देन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम, जैसे हमारे केस में एडमिनिस्ट्रेटर ही एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो पासवर्ड आप डिफाइन करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ देखिए नेट यूजर कमांड के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा यूजर आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका क्या नाम है। जैसे स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट, और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर, नेट यूजर कमांड से आपको पता चल जाती है। यहाँ पे आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने और यहाँ पे मैसेज आएगी पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज्ड। यहाँ पे देखिए सिंगल कंप्यूटर के ऊपर मैं अभी टारगेट किया था लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को चेंज कर दिया। लॉग ऑफ करके आप इसे सिंपली टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप करेंट पासवर्ड डिफाइन किए हैं उस पासवर्ड से जब आप लॉग इन करेंगे तो सिंपली आपकी जो कंप्यूटर है वो लॉग इन हो जाएगी। आपके पास मैसेज आई थी, और मैं आपको बता दूँ जो भी पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं टारगेट कंप्यूटर के ऊपर उसके लिए आपको एडमिन राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप किसी भी टारगेट कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं विंडोज 8 के ऊपर करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए होस्ट नेम कमांड चलाया, कंप्यूटर का नाम यहाँ पे निकल के आ रही है विंडोज 8 PC 1x64। नेट यूजर कमांड जब चलाया तो एडमिनिस्ट्रेटर ही इसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है। ps password.exe या 64 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैश स्लैश कंप्यूटर नेम, जैसे हमारे केस में विंडोज 8 PC 1x64, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड द पासवर्ड जो आप डिफाइन करना चाहते हैं, और इंटर की आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं abc_@1234.5 लगाया, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड सक्सेसफुली जो है चेंज हो चुकी है विंडोज 8 PC 1 के ऊपर। अगर आप लॉग ऑफ करके टेस्ट करना चाहें तो आप इसे सिंपली लॉग ऑफ कर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, और जो भी पासवर्ड मैंने अभी डिफाइन किया था वो पासवर्ड से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग इन हो चुकी है, यानी ps password.exe जो ps टूल्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट में सारे कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ps password.exe और यहाँ पे यूज करेंगे स्टार, ओके स्लैश स्लैश स्टार। इट मीन्स आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी कंप्यूटर होंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका कंप्यूटर है वो सारा का सारा
यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो जाएंगी, स्टार के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ps password slash slash star username and the password। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एनवायरनमेंट में जो भी कंप्यूटर चल रही है नेटवर्किंग की तरफ से, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप यहाँ पे देखिए सारे कंप्यूटर के जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, सारे कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर विद इन योर एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मल्टीपल कंप्यूटर हो तो इसके लिए आपको ps password टाइप करने होंगे, स्लैश स्लैश कंप्यूटर नेम कॉमा के साथ आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं मल्टीपल कंप्यूटर को। एक बार में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंप्यूटर ही पासवर्ड उसके ऊपर अफेक्ट हो, चेंज हो, तो आपको कॉमा के द्वारा पास दो कंप्यूटर को सेपरेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं दो कंप्यूटर के ऊपर मैंने पासवर्ड को चेंज करके आपको दिखाया, जैसे आप कह सकते हैं कंप्यूटर वन कॉमा कंप्यूटर टू, ओके। और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जो भी आप करेंट पासवर्ड डिफाइन किए थे उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं मल्टीपल कंप्यूटर को कॉमा से सेपरेट करने हैं, ओके, विदाउट स्पेस। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको एक फ़ाइल के अंदर, जैसे मान लीजिए एक नोटपैड की फ़ाइल है, नोटपैड के फाइल के अंदर अगर बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, बहुत सारे कंप्यूटर जो भी आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, मतलब एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर के नेम या आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर के नेम को मैंने सेव कर दिया, डी ड्राइव के अंदर इसको मैं सेव किया computers.txt, तो आप एक फ़ाइल का भी यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं, उस फाइल के अंदर जो भी कंप्यूटर का नाम होगा उस कंप्यूटर पे पासवर्ड को आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप कमांड चलाएंगे ps password.txt /@ यहाँ पे देना आपको ज़रूरी है, और देन लोकेशन ऑफ योर फाइल जैसे d:/computers.txt। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्पेलिंग है फाइल की वो सही होना चाहिए, और जिस यूजर का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और देन पासवर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d:/computers.txt जो कि हमारा एक लोकेशन है जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, और इसके अंदर जो भी 4-5 कंप्यूटर थी उसके ऊपर ये पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर पाई। तो आप वन बाय वन सारे कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड को चेक कर सकते हैं जिस पे जो भी आप करेंट पासवर्ड डिफाइन किए थे। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर एक फ़ाइल के अंदर से भी रेफरेंस निकल के सामने आ सकती है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो यूजर लॉगिन है, whoami/user से आपको पता चलती है कौन सी यूजर लॉगिन है जो सारे कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज कर पा रही है। तो यहाँ पे computics/lab/administrator, इट मीन्स हमारा जो डोमेन एडमिन अकाउंट होती है, आपके एनवायरनमेंट में जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हर कंप्यूटर का लोकल एडमिन राइट्स भी, उसके पास प्रिविलेज एक्सेस होती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं computics.lab.com जो कि हमारा डोमेन है, और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो मेंबर है वो डोमेन एडमिन और इंटरप्राइज एडमिन का भी मेंबरशिप है उसके पास, और जो भी कंप्यूटर थे हमारे पास, जो भी कंप्यूटर के ऊपर आप पासवर्ड को सक्सेसफुली चेंज कर पा रहे थे वो सारे कंप्यूटर डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं जो भी विंडोज 7, 8, 10 की कंप्यूटर है वो सारे के सारे कंप्यूटर हमारे कंप्यूटिक्स लैब डोमेन से बिलोंग कर रही है, और डोमेन एडमिन राइट्स के तरफ से मैंने ये पासवर्ड को चेंज कर पा रहा था। डोमेन एडमिन राइट्स जो कि टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उसके पास होती है। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।